is Lovjeet Arora. Welcome in the Tech Queen channel. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हम MySQL को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई होप आप लोगों ने इंस्टॉलेशन कर लिया होगा. एंड इंस्टॉलेशन के स्टेप्स मैंने आपको बताए नहीं थे, बट येस इट इज़ वेरी सिंपल. जैसे आपने पाइथन कभी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया होगा, इट इज़ समथिंग लाइक दैट ओनली. तो आपको MySQL को डाउनलोड करना है और फिर आपको उसको इंस्टॉल करना है, इट इज़ ईजी. चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि भाई SQL के बीच में और MySQL के बीच में अंतर क्या है. बहुत सारे बच्चे इनको मिक्सअप कर देते हैं. तो बच्चा जो SQL है ये एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और हमारा जो MySQL है ये एक RDBMS ये एक सॉफ्टवेयर है. आपके RDBMS को जो अगर मैं RDBMS की बात करूँ तो RDBMS मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. रिलेशन से मतलब होता है टेबल. तो जो भी इसके अंदर डेटा है ना वो स्ट्रक्चर्ड की फॉर्म में है, एक टेबल की फॉर्म में स्टोर है डेटा आपका. अब यार अगर स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर है तो उसको समझ में आएगी कौन सी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज. और वो हमारी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है ये SQL लैंग्वेज. ये हमारी RDBMS के ऊपर ही चलती है, और MySQL हमारा RDBMS है. तो इसीलिए हम SQL लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जब हमें इसमें से डेटा को रिट्रीव करना होता है, जब हमें अपने डेटा को स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ भी करना है, तो हम लोग SQL लैंग्वेज का सहारा लेंगे और उसके थ्रू ये चीज़ है जो कर पाएंगे हमारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर से. हमें लैंग्वेज इस लैंग्वेज को ऑफकोर्स सीखना पड़ेगा. जैसे हम लोग पाइथन को सीखते हैं या फिर C++ जावा को सीखते हैं, वैसे हमें इसकी जो सिंटेक्स है वो भी हमें सीखने पड़ेंगे लैंग्वेज के. अब ये जो हमारे पास MySQL है ये तो एक सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड और इंस्टॉल करना होगा जैसे आप सिंपल करते हो. नेक्स्ट आपके पास में आ जाता है SQL हमारी जो है क्वेरी लैंग्वेज है, बट ये क्या है, एक डेटाबेस है. और जो उस लैंग्वेज जो SQL लैंग्वेज है जो उसके ऊपर काम है जो करती है MySQL के ऊपर. अब अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो होता क्या है, ये होता है हमारा यूज़र, एंड यूज़र है ना, और ये होता है हमारा डेटाबेस यहाँ. अब डेटाबेस को समझ में आती है टेबल की भाषा, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज समझ में आती है. तो अब ये बीच में क्या करता है, हमारे पास हम SQL लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो क्वेरीज इसको देते हैं और फैच कर पाते हैं हमारे डेटाबेस के अंदर से चीज़ें. और ये जो डेटाबेस के अंदर से चीज़ें फैच कर पाएंगे तो SQL लैंग्वेज हमें RDBMS के अंदर जो हमारा MySQL है उसके अंदर हमें इसको लिखना पड़ेगा, और उसके थ्रू हम लोग फैच है जो कर पाएंगे हमारे डेटा को. ठीक है, तो चलिए SQL इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू ऑपरेट योर डेटा बेस, वेयर एज MySQL वॉज वन ऑफ द फर्स्ट ओपन सोर्स डेटा बेस अवेलेबल इन द मार्केट. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था कि ये एक फ्री और ओपन सोर्स है, यानी कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है. ठीक है, जिसके अंदर ये बना गया है वो कोड अवेलेबल है, तो इसके अंदर चेंजेस पॉसिबल हैं. अगर किसी को अच्छे से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है तो वो अपने नॉलेज के थ्रू इससे सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर सकते हैं. तो ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है. SQL है जो आपके पास में एक ऐसी लैंग्वेज है जो स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, जो RDBMS पर चलती है, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को अपडेट मैनिपुलेट कर सकते हो, राइट. तो यस, यही इन दोनों के बीच में डिफरेंस है. तो आप इस नोट्स को लिख सकते हो अपनी कॉपी के अंदर, राइट. तो आई होप आप लोगों का ये जो डाउट है कि भाई SQL और MySQL के बीच में क्या अंतर है ये क्लियर हो गया होगा. तो अगर क्लियर हो गया है तो आप लेक्चर को लाइक ज़रूर करके जाना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना. तो चलिए आपको मिलेंगे अगली कक्षा के अंदर. सो बाय दैट टाइम, बाय बाय.